खुश रहना है अगर जिंदगी में, तो सबसे पहले खुद को खुश रखना सीख। बस मेरा हो गया। तुझे ना उसमें कुछ आग जलानी पड़ेगी। कुछ फील हो रहा है तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। अरे कैसे जलाऊं आग, ठंडा पड़ा है पूरा। तो फिर कुछ ऐसा करो जिसे तुम्हें देखकर ही उनको करने का मन करे। ऐसे हम ऐसे अगर गंदे बुक्स पढ़ेंगे क्या संस्कार देंगे बच्चों को? आप समझ नहीं रहे हैं। देख कविता, पति लोग 100 जगह मुंह मारते हैं, अगर हम औरतें एक जगह मुंह मार भी लिए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। काश ऐसा ही रोमांस मैं कर पाती अपने पति के साथ। मैंने किताब लिखी है, तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट का पूरा मटेरियल मिलेगा उसमें। अब उसे समझ में आने लगा था, उसे समाज की अब कोई परवाह नहीं रह गई, उसे अब अपने जिस्म को खुश करना था। तुम भाई साहब को दे दोगे क्या पानी? भाई अगर आग लगानी है तो माचिस से लगाना, ये गंदी गंदी हरकतों से कौन सी आग लगने वाली है। लड़कियों को सीरियसली बता रहा हूँ, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इतनी ज्यादा शर्म नहीं है। मैं पता है आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, कितने लोग होते हैं उनकी फिर भी औकात होती है, आप लोगों की तो इतनी भी औकात नहीं है। हर उल्लू वेब सीरीज वाले लोग आज तक कोई अच्छी चीज नहीं लेके आज तक जिंदगी में भी, इन्होंने हमेशा गंदी गंदी चीजें सिखाई है। लौंडिया को कैसे पटाना है, टीचर पे डोरे कैसे डालनी है, कैसे सब कुछ करना है, गंदे कर्म कैसे करने हैं, किसी के साथ में गलत कैसे करना है, हर चीज। यार क्यों क्यों करते हैं आप लोग? मैं इन लोगों से तो बाद में कुछ बोलूंगी, लेकिन आप लोगों से पहले बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को कितना मजा आता है ऐसी चीजें देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता होगा ना यार। लेकिन ये चीज भी तो देखो, आपके घर में भी तो बहन बेटी माँ सब कुछ है, वो भी तो एक लेडीज है, क्यों शर्म नहीं आती? अरे दूसरी लड़कियों में तो भाई गंदी नहर यूं डाल देते हैं, तुम्हारी बहन पे भी तो कोई गंदी नहर डालता होगा। तो रिस्पेक्ट योर गर्ल, खत्म करो।